गाइस पिक्सेल लैब का पार्ट फोर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कर्व वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप बेटिंग कर देख सकते हो, हमारा टेक्स्ट रोटेट हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे टी वाला ऑप्शन एनेबल करने के बाद आप बैकग्राउंड का कलर दे सकते हो, ठीक है, जो चाहिए वो कलर दे सकते हो। ग्रेनेट क्रिएट करके आप कलर दे सकते हो, और लेफ्ट पेंडिंग और राइट पोजिशन आप देख सकते हो, इस टाइप से आप कर सकते हो। फिर टॉप बोर्डिंग और बॉटम बेंडिंग पर आप दे सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे रेडियस वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है, रेडियस भी देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बहुत सारे फीचर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो गाइस आप अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से बैकग्राउंड दे देना। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है, हालांकि इसको अभी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। यहाँ पे गाइस स्पेसिंग वाला ऑप्शन है, आपको लेटर में आप स्पेसिंग कर सकते हो, वर्ड चाहे तो वर्ड पे स्पेस दे सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। फिर यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो गाइज इस टाइप से आप लाइन को स्पेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे स्ट्रोक वाला ऑप्शन इनेबल करने के बाद आप जो चाहे वो कलर का आप स्ट्रोक दे सकते हो टेक्स्ट को। यहाँ पे ग्रेनेट क्रिएट कर भी दे सकते हो, और नीचे आपको स्ट्रोक की साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, इस टाइप से देख लेना गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक और ऑप्शन है शेडो का, शेडो इनेबल करने के बाद आप टेक्स्ट को शेडो दे सकते हो, उसकी ऑक्यूपेसिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, और गाइज आउटर ग्लो आप दे सकते हो। तो देख सकते हो आप गाइज हमारा टेक्स्ट कितना ग्लो आ चुका है, और यहाँ पे ऑफ एक्स सेट और ऑफ वाई सेट पे आप देख सकते हो, इसको शेडो को हम इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे इनर शेडो आप टेक्स्ट को दे सकते हो। यहाँ पे ब्लर रेडियस का ऑप्शन है, वाई एक्स का ऑप्शन है, और एक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पे बहुत सारे कलर भी है। फिर यहाँ पे एम्बॉस का ऑप्शन है, एनेबल करने के बाद काफ़ी सारे बंदों को ए वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो गाइज इसके लिए आपको साइज आपको इंक्रीज करनी है टेस्ट की, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद आपको टिक हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लाइट का एंगल इंक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे इंटेंसिटी का ऑप्शन भी मिलता है, एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन है, स्पेक्टर हेडलाइट्स का ऑप्शन है, ठीक है गाइज, आपको टेस्ट को बहुत अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये वाला फीचर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। फिर गाइज ये प्रॉब्लम होने के बाद आपको टेस्ट को साइज इंक्रीज डिक्रीज करनी है, फिर आपको ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्पेक्टर का ऑप्शन है, ठीक है। तो गाइज इसको आपको नॉर्मल तौर पे यहाँ पे एनेबल करने के बाद भी स्पेक्टर कर सकते हो, यहाँ पे इसे इस पॉइंट को आप 3D बना सकते हो आपको टेस्ट को, ठीक है। और गाइज यहाँ पे 3D रोटेट का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, हमारा टेस्ट को आप 3D रोटेट कर सकते हो। और गाइज उसके बाद दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पे 3D टेस्ट, आपको टेस्ट को 3D कर सकते हो। यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस टाइप से आपको डेप्थ को इंक्रीज करोगे तो देख सकते हो इस टाइप से होगा। यहाँ पे बहुत सारे कलर, ऑटो और ग्रेनेड का ऑप्शन है, और डार्कनेस को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है, ग्रेनेड भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे 3D रोटेशन का ऑप्शन है, रोटेट कर सकते हो 3D में, यहाँ पे देख लो XYZ, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। उसके बाद गाइस यहाँ पे स्पेन टूल का ऑप्शन है, यहाँ पे डिसेबल और एनेबल भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। गाइस आप टेक्स्ट एडिटिंग करते हो तो गाइस पिक्सेल लैब बहुत अच्छा ऐप है, मैं पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, मेरा सजेशन है टेस्ट के लिए पिक्सेल लैब बहुत अच्छा ऐप है। फिर यहाँ पे 3D शेडो का ऑप्शन है, आपको टेस्ट को आप 3D शेडो, ऑक्यूपेसिटी, ब्लर रेडियस, एक्सप्लोज बॉय, बहुत सारे ऑप्शन है गाइस। उसके बाद गाइस रिप्लेक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है आपको, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप एनेबल करने के बाद टेस्ट को रिप्लेस कर सकते हो या इस टाइप से। गाइस ऐसी एडिटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना।